के साथ स्थित शिवधाम में सावन माह के दूसरे सोमवार को महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव विशेष तौर पर उपस्थित हुए एवं भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया और अपने नगर सहित प्रदेश देश और खुशहाली और स्वास्थ्य की कामना की। सावन का महीना प्रारंभ होते ही शिव भक्तों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है और ये उत्साह सावन महीने में आने वाले सोमवार को और भी बढ़ जाता है। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित शिवधाम में शिवधाम सेवा समिति के द्वारा सावन माह के दूसरे सोमवार को भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया। पूर्णतः वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक संपन्न हुआ। ये पूरा कार्यक्रम सेक्टर 7 आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया। सेक्टर 7 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर महिलाओं को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिसे क्षेत्र की महिलाओं ने बखूबी निभाया भी। क्षेत्र की महिलाएं अपने बीच अपने लाडले पार्षद और लाडले विधायक को पाकर काफी उत्साहित नजर आ रही थी और महिलाओं द्वारा इस महारुद्राभिषेक के आयोजन के लिए विशेष तैयारियां भी की गई थी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जी इस महारुद्राभिषेक कार्यक्रम की दिल से सराहना करते हुए क्षेत्र की महिलाओं का धन्यवाद किया और ढोल की धुन पर महिलाओं के संग खूब थिरके। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कार्यक्रम के उपरांत न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय पार्षद द्वारा इस सेक्टर 7 तालाब को पूरी भव्यता के साथ बनाया गया है और अब भगवान शिव की स्थापना हो जाने के बाद क्षेत्र सहित पूरे भिलाई शहर की जनता की आस्था भी इस जगह से जुड़ चुकी है। उन्होंने वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू एवं कार्यक्रम को संचालित करने वाली महिला मंडल को ढेरों बधाइयां दी। साथ ही वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने सावन के दूसरे सोमवार पर आयोजित इस महारुद्राभिषेक के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया और उद्देश्य भी बयां किया। महारुद्राभिषेक का जो ये आयोजन सेक्टर 7 तालाब में हो रहा है, मैं इसके लिए विशेष कर हमारे यहाँ के स्थानीय लीडर लक्ष्मीपति राजू जी और सभी जो महिला समिति है उनकी माताओं बहनों को शुभकामनाएं दूंगा कि इतने बड़े लेवल पे आज ये आयोजन हो रहा है जिसमें पूरा भिलाई पूरा दुर्ग यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। बड़ी भव्य गंगा आरती भी की जा रही है, तो धार्मिक और धर्म की जो व्याख्या होती है वो सब यहाँ देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से मिनी भारत का स्वरूप लिए भिलाई बहुत सारी खूबसूरती अपने अंदर समाया हुआ है, उसका एक नज़ारा सेक्टर 7 के तालाब में भी हम लोगों को देखने मिला। क्या मनोकामनाएँ हैं? मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आए, सभी के बिगड़े काम बने, हम सभी लोगों को सही मार्ग पे चलने का के लिए उनका आशीष हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। आज सर्वप्रथम तो हम लोग कभी प्रातः 7 बजे से महारुद्राभिषेक हुआ था, अभी महारुद्राभिषेक की समाप्ति हुई है। विधायक जी आके आरती करने के बाद उसकी समाप्ति की हुई महारुद्राभिषेक की, उसके बाद अब बस हमारी पूरी इस बार आपको विशेषता यहाँ की बता दूँ, हमारी 150 महिलाएँ जो है बहनें हैं वो पूरा कार्य को संभाल रही है। सर्वधर्म की महिलाएँ हैं, सर्वधर्म की बहनें हैं, पूरी हमारे कार्यक्रम को 150 महिलाएँ संभाल रही है, जो पूजा से लेकर गंगा आरती से लेकर भजन संध्या से लेकर भंडारा सभी कार्यों को सभी हमारी महिलाएँ बहनें संभाल रही हैं। क्योंकि 15,000 लोगों का भंडारा आज, इसके बाद हम भंडारा चालू करेंगे, उसके बाद 4-5 बजे से हम भजन संध्या प्रारंभ होगा कान्हा महाराज जी का, उसके बाद 6:30 बजे गंगा आरती, जिसमें हमारे पूरे भिलाई क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के लोग तालाब के चारों ओर गंगा जी की आरती करेंगे हरिद्वार की तर्ज पर, और लगातार यह कार्यक्रम धूमधाम से और चलता रहेगा। हर हर महादेव।
महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद महिलाओं द्वारा स्वयं से निर्मित किए गए भोग भंडारे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया गया, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के इस महाप्रसाद का भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।